अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, यहाँ से शुरू हो रहा है एक नया व्लॉग। एक बार फिर जा रहे हैं अलहमरा, क्योंकि मजा बहुत ज्यादा आया था हमें। अभी माइक नहीं लगाया हमने क्योंकि अभी पहुंचे नहीं हम, बैठे हैं अपने साथ। एक बंदा गुम हो गया, बल्कि हमारे पीछे एक काफिला था, निकले थे हम दोनों ही फराज, दोनों ही रह गए। ओके जी, एक बार फिर हम अलहमरा पहुंच चुके हैं। अलहमरा के अंदर एंट्री मार चुके हैं और देखते हैं कि कौन सा ड्रामा आज देखने जा रहे हैं हम, क्योंकि फ्री वाले ड्रामे चले हुए हैं। तो हम लोग डेली आ जाते हैं ऑफिस से ड्यूटी ड्यूटी करके। ये आफिस सलमान साहब जो है, अभी ये खराटे भी लेंगे, सांस भी लेंगे तो उनकी आवाज आएगी। माइक जो है ना यहाँ पर सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा भाई। ओके जी, हम अंदर आ चुके हैं और पता करते हैं कि कौन सा ड्रामा अच्छा फ्री है और अच्छा है। ख्याल में यहाँ पर आज ड्रामा नहीं है, ये भाई लोगों को दिखा दे। ये बुक एग्जीबिशन भी है जहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, रश कोई नहीं है, रश रश कोई नहीं है। और हम भी नहीं रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि रश वाली जगह पर रुकते हैं हम। जी, बुक्स बड़ी महंगी हैं यार, हम देख रहे हैं ड्रामा। बुक्स बहुत ज्यादा भैया महंगी हैं, 1000 की 1500 की बुक्स हैं, जबकि बंदा वो पैसे लगा के कढ़ाई खा ले। ये शायद कोई बड़े आदमी हो, हमें नहीं पता, इसलिए मैंने क्लिप बना लिया। किसी को पता हो तो बता दे, बल्कि कौन बताएगा। अच्छा हमें करीब यहाँ पे जॉन एलिया का भी कुछ जॉन एलिया है। जश्न जॉन एलिया, जश्न जॉन एलिया आज है, आज जश्न जॉन एलिया है। वो सामने पोस्टर लगा हुआ है। हाँ जी, 26, 27 और 28 जॉन एलिया 26, 27, 28 को अलहमरा में मुनक्किद हो रहा है। आज पहला दिन था, कल हफ्ता बरोज हफ्ता और इतवार, सुबह 10 से शाम 10 बजे तक। शाम को म्यूजिकल नाइट है, अनवर मकसूद साहब आएंगे। वेल नोन शायर कौन कौन से आ रहे हैं? तहजीब हाफी, अमार इकबाल, उमैर नजमी, फिराक सब आ रहे हैं। आज कल कितने बजे शुरू होगा तहजीब हाफी जो आ रहा है? कल 6 बजे आज है, आज है, आज भी अभी मुशायरा शुरू होने वाला है। वही है जो कहता है लानत है ऐसे शख्स पे और बेशुमार। कल 6 बजे कल 6 बजे कन्फर्म है उनका? जी कन्फर्म। तो फिर 6 बजे नहीं आना, कवरेज करने आए थे। किस चैनल से आप? सोशल पाकिस्तान से। सोशल पाकिस्तान से, ये भाई व्लॉगर से। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा यूट्यूबर हैं? ये यूट्यूबर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं। अच्छा अच्छा, वेल अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देखूंगा आपका आपका कंटेंट, अभी तो मैं देख रहा हूँ, काफी अच्छा आप। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आज भी है बोर्ड में, हमने पढ़ लिया अपने ड्रामे का नाम, जो हमने देखना है उसका नाम है लाली। 7 बजे शुरू होगा, चले सीट्स किसी ने ले जानी है। ओके अंदर चलते। ओके जी, अंदर आ चुका हूँ, लेकिन हाफिज साहब नजर नहीं आ रहे, जो है उन्होंने सीटें तो रख ली होंगी लेकिन नजर नहीं आ रहा मुझे। अभी कोई हाथ भी नहीं खड़ा कर रहा। हाफिज साहब को ढूंढ रहा था, पता चला कि हाफिज साहब तो अभी अंदर ही नहीं आए। अभी जो है मसूफ अंदर दाखिल होंगे। सीट आगे वाली तो हो गई है सारी फील्ड, ये जहाँ पे मैं बैठ गया उनकी सीटें भी हैं, अभी काफी अच्छी है। लास्ट टाइम तो सीट भी नहीं मिली थी। अब वो ढूंढ रहा है कि कोई बाजू खड़ा कर, हाथ खड़ा करे कोई। देख लिए भाई ने, ये आ रहे हैं, एक तो आ गया। आज के ड्रामे का नाम है लाली, आंखों से ये लाली नहीं जाती। और हाफिज साहब किधर है? नमाज पढ़ रहे हैं अभी। ओके जी, जगह चेंज कर दी हमने, जगह चेंज कर लिए और अभी बैठे हैं इंतजार में। उधर उधर कोई जगह नहीं फाइनल हो रही। ओके अब यहाँ बैठो, सीधी टेक वाली ऐसी जगह है, इधर ना बैठू, टेक अच्छी है। अच्छा ओके, हाफिज साहब की सीट रख ली हमने, मरहूम हाफिज साहब की। और पता चले वो उधर बोल रहा हो भाई, इतनी आवाज आ रही हो, अत्ता याद पड़ रहा हूँ। हाफिज साहब नमाज पढ़ने गए और शुरू करते हैं बाद में। ड्रामा शुरू होगा अभी थोड़ी देर तक। तो जी ड्रामा शुरू हो रहा है, अभी लाइटें बंद हो जाएंगी शायद, और बंद हो गई लाइट चली गई। तो अगला व्लॉग बनना नहीं है, लाइटें बंद हो गई, बत्ती चली गई, बत्ती चली गई। तो सिराना पढ़ाई, आप लोगों को शक्लें हमारी याद होंगे इंशाल्लाह, देखते रहिए। और खेस इधर कर दो, यहाँ पे पिक्चर लगा देंगे बाद में। कंबल कंबल मेरा लेते हैं, ये देखें आवाम, आप देख रहे हैं सारी बैठे। ये एसी काम करो, ये कुछ अच्छा नहीं बंदा हो। कोई उठ ना पाए, अब लगाना है यार, ये शर्मा रही है।
जी हम लोग उस थिएटर से निकल आए और क्योंकि कुछ टाइम हमें बोर करा था और से गोलगप्पे खाते हैं और चलते हैं दूसरे थिएटर में। हाँ हाँ जी भाई बना रहे हैं गोलगप्पे और गप्पे खाते हैं। चलो भाई चलो भाई चल चल चले चलो अताउल्लाह शाह कासमी साहब का इंटरव्यू लिया हाफिज साहब ने। हाफिज साहब को बहुत वो है वो नहीं होता दाम तो मैं क्या होता है तो ये हाँ वो हाफिज साहब को है और चलते हॉल वन पूछ लेना किसी से। अब हम जा रहे हैं हॉल वन की तरफ और हाफिज साहब बीच में किसी को गाइड कर रहे हैं और उनकी आवाज अन्य वहाँ आ रही है इनसे माइक छीनना ही पड़ेगा। हाफिज साहब सांस भी लें तो आहिस्ता क्या लगा हुआ है। बहुत पता है मुझे प्यार कैसे करते हैं मगर ये काम लगातार कैसे। बहुत पता थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा हमारा क्योंकि वहाँ पर करनी पड़ती है तो मजा आता है। ये हाफिज साहब पढ़ा हूँ भाई ना तेरे आगे कि तुम भी किसी को नींद से बेदार कैसे करते हैं लगे किसी को नींद से बेदार कैसे करते हैं। यहाँ पे अच्छा मजा आएगा जब मुझको पहली बार जिंदगी में शायरी सुन रहा हूँ ना मेरा ड्रग था पहले और आप भी सुनिए काफी बहुत बेहतर है ये माहौल। 10 बजे बंद करना होता है तो ये तो हाल है हमारा हाल है हमारा अभी पहुंचे यहां तो कह रहे हैं कि वो कहते हैं 10 बजे हॉल बंद है। रुखसत के वक्त आपको जल्दी थी किस कदर यानी हमारी बात भी उजलत में काट दी तूने करूंगा मोहब्बत की शजरकारी करूंगा। मैं अंग्रेजी में गजल कहने की जुरत करता हूं अंग्रेजी में और इंग्लिश में गजल पेश करेंगे भाई हमें तो समझ आ जाएगी आपको भी आ जाए। सिंस एजेस वी आर लॉक्ड इन केजेस वी आर लॉक्ड वाह जी वाह। सिंस एजेस वी आर लॉक्ड इन केजेस वी आर लॉक्ड वी आर अनपब्लिश्ड वर्ड्स we are unpublished words on pages we are locked. बहुत अच्छे walk through myself in my absence I knew myself I'm waiting in the queue myself I run madly on sacred paths and then समझ आ रही ना कुछ नहीं तर्जमा कर लो स्लो करना अंग्रेजी में सभी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते अकल भी जरूरी है होने को भी मजबूर होना चाहिए। ओके जी टाइम हो गया हॉल चेंज करने का दोबारा एक बार फिर तीसरी बार अब हम जाएंगे म्यूजिकल थिएटर में। ओके जी हॉल 3 में जा रहे हैं म्यूजिक होगा कुछ शायद और देखते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है। ये हमारा आखिरी हॉल है ये हमारा हॉल है और यहाँ पे मजा ना आया हो तो फिर वापस इंशाल्लाह। दिस इज हॉल 3 एक और थिएटर में आ चुके हैं जहाँ पे होगा कवाली टाइप कुछ। आज ये जो भाई अभी कवाली बैठे हैं ये जो भाई कवाली बैठे नहीं है उनको भी वजगुन के बाहर मिल के आ रहा हूँ मैं। ये तो अच्छी ये भी बात की तरह राजा कर दे शुरू अब तो तबले नहीं सेट हो रहे शुरू हो गया भाई जान बात है वो दात सुभान अल्लाह नबी कुरान का 15वां पारा सुभान अल्लाह नबी
रमजान का 15वां पारा नुकता बढ़ा दिया है खुदा की वीडियो बनवा रहा है किलो पर इंसान की जिंदगी का दारो बता वालिम ने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले लेकिन फिर भी कम नहीं। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? मैनेजमेंट में आप जो है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम? असद खान। अच्छा भाई, आप मैनेजमेंट में हैं यहाँ की? जी मैं, हम वॉलंटियर कर रहे हैं जीसीओ के टास्क फोर्स क्लब की तरफ से। हमने कोलैबोरेट किया हुआ है इश्काबाद वालों के साथ, जो जिन्होंने ये जश्न जो ने लिया उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? मैं जीसीयू का स्टूडेंट हूँ, एलएलबी का। सही, लास्ट ईयर? नहीं, सेकंड ईयर। अच्छा, मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि अगर इस मैनेजमेंट के अंदर वॉलंटियरली हमने काम करना हो तो किससे रब्ता करना चाहिए? तो आप जो है टास्क फोर्स क्लब ज्वाइन करें, ठीक है? तो वो आपको तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में है उनके जो है स्टूडेंट्स वगैरह। सही, अगर वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ना हो, पास आउट हो चुके हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जा चुके हो, तो उसके लिए फिर प्रोसीजर एज सच कोई नहीं है क्योंकि ये स्टूडेंट बेस्ड है। सही, तो या हाँ, तो आप या जो है, अब इसका मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो आपने पता करना है कि कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये था आज का व्लॉग, जिसमें आप आज का व्लॉग था, बड़े चाहत से यहाँ पर आए थे, चाहत फतेह अली खान की तरह लोग मिले। हाँ, चाहत फतेह अली खान, और जो है वो आज का व्लॉग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। तीन थिएटर से हम निकाले, बल्कि खुद निकले और अलग अलग मॉल देख लिया हमने, क्योंकि फ्री था तो हम अलग अलग हॉल्स में जाते रहे, तो हमारा हॉल है। आप मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये व्लॉग कर रहे हैं खत्म यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलते हैं बाहर से कुछ खाते हैं, फिर कमरों कमरी। ठीक जी, ये हम मेन मार्केट में हमने ब्रेक लगाई है, यहाँ से रोटी भी खाएंगे, कढ़ाई खा के चलेंगे घर।